Hey, hi guys, hope you are doing well and you are watching my channel ABS. Aao banaye shoes. I'm just kidding. ABS means Anjali Best Saman. But aaj hum definitely banayenge shoes. But before starting, first of all, please subscribe kar lijiye mera channel. Otherwise, aapke expensive aur aapke favorite shoes mein itne bade hole ho jayenge ki koi bhi unhe repair nahi karega. So please, without wasting any more time, please subscribe my channel and let's start. This is one of my favorite shoes, but it got damaged. You can see there was a big hole and I have given few stitches on it, but this is not looking good at all. And I don't want to throw it out just because of the hole, so I decided to do something creative. With the help of these three things, crystal balls, fabric glue and sparking sheets. ये स्पार्किंग शीट जो होती है ये पीछे से थोड़ा रबर मटेरियल की होती है और बच्चे अपने क्राफ्ट में काफ़ी यूज़ करते हैं इसको. और ये तीनों ही चीज़ें बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पे. और उसके बाद आपको अपने जो स्पार्किंग शीट है उसको कट करना है अपनी फेवरेट डिज़ाइन में और उसके पीछे लगाना है फेवरेट ग्लू और डैमेज एरिया जो भी आपका शू है उस पर पेस्ट कर देना है. ओके गाइस, मेरे जो ये शूज़ हैं वो है फैब्रिक मटेरियल के, इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लू और ये स्पार्किंग शीट यूज़ की है. लेकिन अगर आपके शूज़ हैं लेदर के या किसी और मटेरियल के तो ये चीज़ें उसमें काम नहीं करेंगी. तो गाइस, नकल के लिए भी अकल चाहिए, इसलिए आप अपनी थोड़ी अकल आप भी अपना यूज़ करना. और उसके बाद मैंने क्रिस्टल बॉल्स को भी शूज़ के साइड में फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दिया है और अब देखो कितना ब्यूटीफुल लगने लगा है मेरा शू. तो देखा गाइज आपने, मैंने कितनी इजिली अपने फटे पुराने डैमेज शू को एक न्यू शू बना दिया है. एंड आई थिंक दिस इज बेटर देन न्यू एंड मोर स्टाइलिश. तो आपके घर में भी अगर ऐसे फटे पुराने शूज हैं तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन क्रिएटिविटी के चक्कर में अपने अच्छे शूज को प्लीज डैमेज मत कर दीजिएगा. Like this video, please don't forget to subscribe my channel and please give your comments in the comment section and see you in the next video guys. Bye.